आपका भाई आपके रोहान को आपकी जरूरत है, वो शायद किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, उसे आपकी मदद की जरूरत है। ये क्या बोल रही हो तुम दुआ? क्या हुआ रोहन को? ये तो नहीं जानती, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि उसे शायद कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। उसे किसी सहारे की जरूरत है और आपसे बेहतर सहारा और कोई नहीं हो सकता। तुम जैसा भी दूसरा नहीं हो सकता दुआ। तुम दूर हो लेकिन उनसे ज्यादा करीब हो जो मेरे पास है। मुझे एक बात समझ नहीं आई दुआ, रोहन तो तुम्हारा दुश्मन है ना, तो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र कैसे होने लगी? आखिर तुमने ही तो उसे लॉकअप में बंद करवाया था। बच्चे जब कोई गलती करते हैं ना, तो उन्हें सुधारने के लिए उन्हें सजा देना बेहद जरूरी होता है। मैंने रोहन को सुधारने की कोशिश की थी, बस रोहन भटक गया था। मगर मुझे ऐसा लगता है अब शायद वो सुधर गया, या कम से कम सुधरना चाहता है। यही मौका है जब बड़ों को छोटों का सहारा बनना चाहिए। उसे संभाल लीजिए हैदर, जिससे पहले कि उसकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा हो जाए। उसे उम्मीद की रोशनी दीजिए। देर मत लगाइएगा, जल्दी से अपने भाई के पास जाइए और उसकी मदद कीजिए। ठीक है, मैं उसके पास जाता हूँ, चलो फोन रखता हूँ। फोन काटने से पहले एक और बात। मैं उन बीवियों में से हूँ जो अपनी शौहर की बातें सुनकर सामने का मंजर देख पाती हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ना तो आपके आसपास गजल है और ना ही आप गजल के कमरे में हैं। जो तमाशा आपने मुझे दूर करने के लिए किया ना, वो तो बहुत अच्छा था, मगर वो काम मत कीजिए जो आपको बिल्कुल नहीं आता है। क्या काम नहीं कर सकता? झूठ बोलना। शबा खैर। मैम, क्या बात है तुम्हारा, इतना कांच का बना हुआ हूं कि तुम मुझमें साफ देख सकती हो, जिस तरह मैं देख सकता हूं कि तुम पे क्या गुजर रही होगी। I'm sorry तुम्हारा, लेकिन घर वालों के जुल्म और ज्यादती से तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी सलामती, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए बस एक ही रास्ता बचा है, हम दोनों का एक दूसरे से दूर हो जाना। हैदर, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। बस एक महीने की बात है, जैसे ही मैं गजल की सच्चाई आपके सामने ले आऊंगी ना, फिर हम वापस एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन आज आपके भाई को आपकी सख्त जरूरत है, प्लीज रूहान को संभाल लीजिए। तो कह रही थी कि रूहान को मेरी जरूरत है, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? अतः मुझे रूहान के पास जाना चाहिए और आज मैं उसे सब कुछ बोलूंगा। क्या वो वाकई मेरी जान लेना चाहता था? और वो क्या गलत फहमी है जिसने एक भाई को दूसरे भाई का दुश्मन बना दिया? या मेरे मौला, हैदर की हिफाजत करना और रूहान को समझ देना कि वो सही रास्ते पे आ जाए, मदद करना मेरे मौला। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।